Yeah, you get two straight, you get picked off. About a six and now. And there we go from Harris. Decides to go a little inside out here. And a little race away for fourth here. Ah, man inside. He knew what he was about here. Harris got the length. Oh, no, you're kidding me. You can't do that. It's a good Yorker. Campbell there. He's got a man set. He's not going to look at it. He's just going to be a speck. And again. Stand and deliver and just admire this. Six. Sean DeLonger again. Going with a wrap shot, and he's got that away for a good on. Hooky, I said. बलंदो वाला छक्का बोले ये क्या बोले आवाम के पास बोलने को कुछ नहीं रहा आवाम गूंगी हो चुकी है यह अब सुनने में आ रहा है कि जनाब एक आहनी हाथ आवाम को गूंगा कर रहा है अब पता नहीं इस गूंगेपन में कौन कौन शामिल होगा लेकिन आज हम नहीं बोलेंगे इस पे कि महंगाई ने हमारी कमर तोड़ हम आपको कोई वादा नहीं याद कराएंगे जो कंटेनर पे खड़े होके किए हम आपको कोई वादा याद नहीं कराएंगे जो मुख्तलिफ टॉक शो में आके आपने किए हम आज इस पे भी नहीं बोलेंगे कि डॉलर पहुंच गया आज हम बिजली के ऊपर भी नहीं बोलेंगे जिसने हमारी चीखें निकलवा दी है आज हम किसी ऐसी चीज पे नहीं बोलेंगे कि जो खाने के लिए हमसे छीन ली गई है चाहे वो चीनी हो चाहे वो कुकिंग ऑयल चाहे वो दाल हो चाहे वो कुछ भी हो आज हम नहीं बोलेंगे आज हम पाकिस्तान में तबाह होने वाले इदारों के ऊपर नहीं बोलेंगे रेलवे के ऊपर नहीं बोलेंगे आज हमारी आवाज खामोश रहेगी हम नहीं कहेंगे पेट्रोल हमारे बस से निकल गया हम वो वादा भी याद नहीं कराएंगे कि आपने कहा था मैं भीख मांगने कहीं नहीं जाऊंगा आज हम आपको ऑयल या कोई और चीज के बारे में कभी नहीं बताएंगे और आज हम आपको वो वादा जो आईएमएफ के पास ना जाने का किया था उसके बारे में भी नहीं बोलेंगे आज हम इन बातों के बारे में हरगिज भी नहीं बोलेंगे हरगिज भी नहीं बोलेंगे तो फिर किस पे करेंगे आप बात 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 आज हम एक ऐसी बात पे करेंगे कि जिसका हिस्सा बना पहले कराची और अब लाहौर खुदा का वास्ता अगर काम नहीं आता तो ना करें हमें ऐसी क्रिकेट नहीं चाहिए जो हमारा जीना हराम कर रही है जो लाहौर को 10 बजे से लेकर रात 11-12 बजे तक बंद कर देती है जो इमरजेंसी चलने वाली गाड़ियों के हुटर नहीं सुनती टीम हमारी अंडरपास से गुजर रही होती है और ओवरहेड भी बंद कर दिया जाता है 3-3 घंटे की जाम लगती है आवाम की तो पहले भी कोई नहीं सुनता वैसे आम है इसी काबे जो इन झूठे लोगों के बालों के क्या अपना दर्द किसको लिखा किसको होता है आप जानते हैं कि इस वक्त लाहौर का हाल क्या है सारे कारोबार तो पहले ही बंद थे भाई और अब क्या कि जाम ने हमारा जाम ही निकाल दिया हमारा बेड़ा गर्क कर दिया अल्लाह का वास्ता ऐसी क्रिकेट हमें नहीं चाहिए अभी तो पीएसएल चल रहा है ऑस्ट्रेलिया की टीम आई तो क्या बनेगा हमारा जीना मरना बंद हो जाए हमें ऐसी क्रिकेट नहीं चाहिए मेरे ये जुड़े हुए हाथ देख लें पाकिस्तान की आवाम को लाहौर की आवाम को कराची की आवाम को हर वो जगह जहां पे आप क्रिकेट करवाना चाहते हैं ऐसी क्रिकेट नहीं चाहिए भाई ऐसी क्रिकेट नहीं चाहिए आप ही हल बता दे लाखों रुपए लेने वाले हल बताए लिबर्टी एक बड़ा छोटा सा इलाका है वहां पे बेशुमार होटल मौजूद है फॉर द टाइम बीइंग उनको 5 स्टार का दर्जा दिया जाए एसेसरीज दी जाए
और गाड़ी उनको उठाए प्लेयर्स को और ग्राउंड में ले जाए। कद्दाफी स्टेडियम में कुछ होटल हैं, उन पे उनको ठहरा है। सारे लाहौर के नाक में दम क्यों किया हुआ है? हमें ऐसी क्रिकेट टीम चाहिए, आपने तो बेड़ा गर्क मौसकी तक कर ही दिया है, हर चीज का सत्यानाश हो गया। हाँ, एक वादा आपने पूरा किया, मानते हैं, लेकिन वो वादा सही तरह पूरा नहीं है। आपने कहा था रुलाऊंगा इनको, यार आपने तो हमारी धाड़े निकलवा दी है, अब तो रो रो के आंसू सूख गए हैं। खुदा का वास्ता, हमें क्रिकेट नहीं चाहिए। अगर आप इस तरह करवाते हैं तो पूरे लाहौर को नहीं क्रिकेट चाहिए। मेरी आप लोगों से, देखने वाले लोगों से ये इल्तिजा है कि इस वीडियो को इतना वायरल करें ताकि अरबाब इख्तियार देख सकें कि हम कितनी तकलीफ में हैं, हमारे कारोबारों का बेड़ा गर्क हो गया है, मफलूज होकर रह गए हम। कोई है सुनने वाला? अपना सारा ख्याल रखिएगा। नदीम वारसी को इजाजत दीजिएगा, देखते हैं कि क्या जवाब आता है। अल्लाह हाफिज़।